हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वंदना। तो गाइस, आज थोड़ा सा अलग तरीके का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूं। काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम प्लीज़ कोई ऐसा ड्रिंक बता दीजिए जिससे हमारी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाए, अंदर से हमारी बॉडी साफ हो जाए, थोड़ा बहुत जो भी वजन हमारे अंदर शरीर के ऊपर चढ़ा हुआ है उसको साफ करने में मदद करे। तो आज मैं आप सबके साथ सिंपल एक बहुत ही आसान तरीके का वाटर यहाँ पर पानी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप थोड़ा बहुत वजन कम करना चाहते हो, मोटापा कम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। नेक्स्ट, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, कचरा साफ करेगा। इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छी है, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। इससे आपको नींद भी अच्छी तरीके से आएगी और बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके के फायदे हैं, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हो तो मुझे इसी तरीके के नए नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और पसंद आए तो खुशी खुशी आप डिसलाइक कर सकते हो, चॉइस आपकी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस, ये जो जीरे का पानी है, क्यूमिन वाटर है, उसको बनाने के लिए आपको एक से डेढ़ ग्लास जितना पानी आपको उबालने के लिए छोड़ना है। और जब भी अच्छी तरीके से उबलने लगे तो आपको इसमें एक से डेढ़ टेबलस्पून जितना जीरा यानी क्यूमिन सीड्स को डालना है। जीरा बहुत ही अच्छा होता है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको फास्ट कर देता है, वजन कम करने में हेल्प करता है और भी बहुत सारे फायदे हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। मैं आपको आगे सारे फायदे बताने वाली हूँ। तो जब आपका पानी उबलने लगे तब आपको इसमें जीरा डाल देना है और इसको 3 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से उबाल लेना है। जब तक हमारा यहाँ पर जीरा उबल रहा है तब तक मैं आपको इसके दूसरे इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। आपको छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, अच्छी तरीके से छिलके उतार कर धोने के बाद आपको इसको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले कि हमारा जो पानी है वो उबल चुका है। अब आपको छान कर एक ग्लास में इसको भर लेना है और रूम टेम्परेचर के लिए इसको छोड़ देना है। जब तक ये रूम टेम्परेचर में ना आए तब तक आपको इसे नहीं पीना है, हल्का गुनगुना हो तभी आपको इसे पीना है। तो यहाँ पर हल्का गुनगुना हमारा पानी हो चुका है। अब आपको इसमें डालना है लेमन जूस, करीब 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना लेमन जूस में इसमें डालना है। इसके बाद आपको इसमें डालना है हमने जो कद्दूकस किया हुआ अदरक था उसका जूस निचोड़ कर इसमें डालना है। और लास्ट में आपको यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून जितना हनी डालना है। आपको हनी सूट नहीं करता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और बस ये चारों चीज़ों को आप अच्छे से मिलाकर आपका जीरा वाटर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि आपको इसे कब पीना है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में, जब आपने कुछ खाया ना हो पिया ना हो, तब आपको इसे पीना है, खाली पेट इसको पीना है मॉर्निंग में। इसके बाद आप चाय नहीं पी सकते हो, और अगर पीना हो तो 2 घंटे के बाद या 1 या 1.5 घंटे के बाद आप चाय पी सकते हो। और दूसरी बार आप कब पीना है कि जब आपने खाना खा लिया हो दोपहर में, यानी आपको 4 या 5 बजे ये पानी को पीना है। इस तरीके से दिन में 2 बार पीना है। तो काफ़ी सारे हेल्थ के फायदे भी है और आपको वजन कम करना है तो भी इससे आप काफ़ी अच्छा खासा वजन कम कर सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप इजीली इसको पी सकते हो। तो देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पी लिया है। जो जीरा का पानी होता है वो आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और आयरन से हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। साथ ही साथ ये पानी में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, वो हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे ना हमारा वजन बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है, स्टेबल रहता है। और अगर आप थोड़ा बहुत वजन घटाना चाहते हो, मोटापा कम करना चाहते हो, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा देगा। बताया कि जीरे का पानी अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करेंगे, डेली रूटीन में पियेंगे, तो आपकी जो इम्यून सिस्टम होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और जब हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, तो कई बीमारियों से लड़ने की हमें ताकत मिल जाती है और आपको बीमारियाँ जल्दी से होती नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जीरे में फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जिससे ना आपके बॉडी में जो भी बेड टॉक्सिन भरे हुए होते, खराब कचरा जमा हुआ होता है, वो अच्छी तरीके से जीरे का पानी पीने से निकल जाता है। तो आपके बॉडी में कोई भी खराब टॉक्सिन पड़े नहीं रहते हैं, जमा नहीं होते, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ जीरे का पानी पीने से एनर्जी लेवल भी बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो आप बिल्कुल भी थकते नहीं हो, तरोताजा फ्रेश महसूस करते हो और वजन बिल्कुल भी चढ़ता नहीं है।
तो मुझे जीरे का पानी पीना अच्छा लगता है। एक तो ये बनाना भी सिंपल होता है, साथ ही साथ पीना भी आसान है। और टेस्ट मिलाओ, और टेस्ट के लिए आप इसमें नींबू और थोड़ा सा हनी भी मिला के पी सकते हो, तो ईजिली इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँ। वैसे तो इसके कई सारे अलग अलग तरीके के हेल्थ बेनिफिट है, तो अगर आपको यू नो मॉर्निंग सिकनेस, या तो मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, या तो आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, अच्छी तरीके से आपका खाना पचता नहीं है, या तो गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उल्टी का आपको प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से जो यू नो सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जीरे का पानी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद देता। तो गाइस, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये जीरे का पानी काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप यू नो एक या दो बार ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको तरोताज़ा एकदम फ्रेशनेस भी मिल जाएगी, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, इम्यून सिस्टम भी अच्छी हो जाएगी, एसिडिटी या तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या तो पाचन तंत्र आपका डाइजेशन काफ़ी ख़राब है, तो वो सब अच्छा हो जाएगा। और इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है, जो हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो ट्राई करना, ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। थोड़ा बहुत आपको फैट कम करना है तो भी आपको ये हेल्प कर देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरे दूसरे वीडियो को यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय गाइस, लव यू ऑल।